भारत सरकार ने कोरोना वायरस संकट के बीच एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इस पर अब हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इस बीच एक प्रतिक्रिया लंदन से भी आई है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने इस ऐलान पर केंद्र सरकार को बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा है कि अब सरकार को उससे सारा पैसा वापस ले लेना चाहिए। उसने कहा कि मेरे लगातार कर्ज राशि चुकाने के प्रस्ताव को नजरअंदाज किया जा रहा है। माल्या ने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 राहत पैकेज देने के लिए सरकार को बधाई। वो जितनी चाहे उतनी करेंसी छाप सकते हैं, लेकिन क्या मेरे जैसे एक छोटे से योगदानकर्ता के बैंकों से लिए गए कर्ज की 100% राशि को वापस करने की पेशकश की लगातार उपेक्षा की जानी चाहिए। शराब कारोबारी ने लिखा कि मुझसे सारा पैसा बिना शर्त के ले लीजिए और मामला खत्म कीजिए। किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर माल्या के खिलाफ भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज है। वो 9000 करोड़ रुपए के मामले में वांछित है। उसका सरकार से कहना है कि बिना शर्त पैसा लेकर दर्ज मामले को बंद कर दें। लंदन उच्च न्यायालय में हारने के बाद माल्या ने इस महीने की शुरुआत में ब्रिटेन की उच्चतम न्यायालय में प्रत्यर्पण के खिलाफ एक अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय में माल्या की अपील खारिज होने के बाद अब उसके पास ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 14 दिन का वक्त था। माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में है और अप्रैल 2017 से प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद जमानत पर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।